खबर नरसिंहपुर से आ रही है, जहां कैबिनेट मंत्रियों द्वारा दो जगह पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग तिरंगे के साथ आजादी का जश्न मनाते हुए नजर आए। नरसिंहपुर में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने किया। उनके साथ मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और गोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश मौजूद रहे। सभी ने अम्बेडकर पार्क में संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर को माल्यार्पण किया। 75 वर्ष पूरे होने पर देश के प्रधानमंत्री ने देश से आह्वान किया था कि अमृत काल में हर घर पर तिरंगा फहराकर हम अपने शहीदों का स्मरण करें। तिरंगा के इस बलिदानियों के खून से रंगे हुए सामर्थ्य का अनुभव करें। आज उसके बाद तीसरा वर्ष है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि 2047 जब भारत के 100 वर्ष हों, तब तक हमारी नव चेतना जागनी ही चाहिए। दो पीढ़ियां खप गई, 25 साल में दो पीढ़ियां और खप जाएंगी। हमारी जवानी, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे कर्णधार उत्तराधिकारी इस बलिदान को ना भूल पाए, तिरंगे की कीमत का एहसास करें, ये अभियान इसके लिए है। मैं धन्यवाद करता हूँ नरसिंहपुर और गोटेगांव विधानसभा के उन सभी ग्रामवासियों का जिनने इस यात्रा का स्वागत किया, भागीदारी की और हम सब में आवाज मिलाकर भारत माता की जयकारा का नारा लगाया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।